जनसुराज अभियान पर निकले प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर तीखी बयानबाजी की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को गरीबी की ओर ढकेल दिया, महंगाई चरम पर है, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की जनता से कोई मतलब ही नहीं। शराबबंदी को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से सीएम नीतीश ने बिहार में शराबबंदी लागू की है, तब से हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का सरकार को नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार को शराबबंदी लागू बा, बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी आप लागू कर दिए तो हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का सरकार का नुकसान हो रहा है। अब 20 हजार करोड़ रुपया भरपाई करे खातिर डीजल के दाम 9 रुपया 10 रुपया बढ़ा दिया तो आपके हमारे जेब से वसूला रहा है। पीके का कहना है कि यूपी से ज्यादा बिहार में 9 रुपए लीटर ज्यादा महंगा डीजल मिल रहा है, आम आदमी परेशान है लेकिन सरकार को मतलब ही नहीं। वहीं पीके ने यह भी दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद होम डिलीवरी की जाती है। शराबों बंद नहीं के घरे घर होम डिलीवरी भी होता है भाई।